नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम विद्यार्थियों, जल्दी से आ जाइए सभी और अपने दोस्तों के क्लास की लिंक को शेयर कर दें। चलें शुरू करें, जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए, अगर आप सभी मेरे साथ अनअकैडमी पे जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड रूप लाइव डाल के ज्वाइन कर सकते हैं आप आज की क्लासेस को। इसके साथ ही जो है अभी मेरा टेलीग्राम से आप सभी जो है रूप सर टेलीग्राम से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से जो है पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही रूप सर टेलीग्राम चैनल से अभी जुड़ते हैं तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के लिए अनअकैडमी पे एक बैच जो है 20 अक्टूबर को और एक बैच जो है 27 अक्टूबर को शुरू हो चुका है। साथ ही एक नया बैच जो है 10 नवंबर से जो है आप सभी के लिए लाइव हो रहा है, एमपीपीएससी 2021 और 22 के मेंस के लिए, साथ ही प्री के लिए भी। एक नया बैच जो है आपका 14 नवंबर को भी शुरू होगा अनकेडमी पर। तो आप ये सभी बैचेस जो है मेरे साथ ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं अनकेडमी पर। इसके साथ एक बैच और जो है आपका शुरू हुआ था, वो हुआ था 27 अक्टूबर से। आप ये बैच भी जोड़ सकते हैं। अगर अभी ज्वाइन करते हैं, रेफरल कोड रूप सर डालते हैं तो 10% जो है आप सभी के लिए ऑफ रहेगा अनअकैडमी प्लस पर। चलिए, तो आज सबसे पहला जो वंश अपन इसमें पढ़ेंगे राजकुट वंश। बालको आपकी ना शाम को 8 बजे रेगुलर क्लासेस है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में भी 8:45 पे क्लासेस रहेगी, ठीक है। तो आप सभी जो है नमस्ते, मेरे साथ यूट्यूब पर रेगुलर आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और चलिए शुरू करें बालकों। चलिए चलते हैं, तो अपन जो है पढ़ते हैं। थोड़ा बेटा ये अभी जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा, OBS से ब्लैक दिखाई दे रहा है। चलिए स्टार्ट करें। आज का वंश हम कौन सा पढ़ने वाले हैं तो राजकूट वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी आ गए सपना, जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। चलिए, राजकूट पहले किसके सामंत हुआ करते थे, पहले तो ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। राजकूट जो है, एक सेकंड रुक जाना, कलचुरी जो शासक थे, शासकों के सामंत, और बादामी की चालुक्य क्या होगी, बादामी के चालुक्य, इनके ये जो है सामंत रहे। राजकूट की दो शाखाएं थी, राजकूट की दो शाखाएं, पहली शाखा जो थी पहली शाखा का विकास जो है 7 से 8 सदी में होता है, मतलब 7 से 8 सेंचुरी में ये जो है अपनी रहे।
ठीक है बेटा, कौन सी 7 to 8 सेंचुरी जो है उसमें ये अपने को मिलती हैं। इस शाखा के, पहली शाखा के अगर शासक देखें तो उसमें पहला नाम आता है दुर्गराज, गोविंद राज, स्वामिक राज, और नन राज। क्या हो गए? नन राज जो है इसमें मैं चार शासकों के नाम जो है अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनका जो पहली शाखा का क्षेत्र कहाँ था, पहली शाखा का हम क्षेत्र देखें तो ये कहां पे थी? बैतूल में, बैतूल और अमरावती में इनका शासन था। कहां पर? बैतूल और अमरावती में। इसमें दुर्गराज राजकूट वंश की पहली शाखा का संस्थापक था। फर्स्ट शाखा, ये मेन पॉइंट इस शाखा में, पहली शाखा जो थी उसमें संस्थापक कौन था? तो पहली शाखा में अपना संस्थापक कौन रहा है? दुर्गराज रहा है। जबकि अंतिम शासक कौन है इसमें? अगर अपन अंतिम शासक देखें तो अंतिम शासक नंदराज, अंतिम शासक कौन है? नंदराज। चलिए, तो पहली शाखा क्लियर हुई विद्यार्थियों आप सभी को? बड़े विवेक, फर्स्ट शाखा क्लियर? चलिए बढ़े आगे। चलिए, अपन ने फर्स्ट शाखा जो थी वो अपन ने कर ली, राजकूट वंश की दूसरी शाखा। अब सेकंड शासक जो शाखा है वो इंपॉर्टेंट है, राजकूट वंश की दूसरी शाखा। इसमें कौन था? संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन हो गए? दंती दुर्ग जो है इसका संस्थापक था। शासन कहाँ किया इसने? विदर्भ, मानखेत और मालवा। कहाँ हो गए? विदर्भ, मानखेत और मालवा जो रीजन है वहां पर ये शासन है। मानखेत जो एरिया है वर्तमान में ये सोलापुर में आता है। कहाँ आता है मानखेत एरिया? मानखेत एरिया कहाँ पर पड़ता है विद्यार्थियों? तो ये सोलापुर में पड़ता है। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी मानखेत। ठीक है, सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। राजधानी विद्यार्थियों से क्या थी? मानखेत जो है इसकी राजधानी रही। क्या रहोगे? मानखेत जो है विद्यार्थियों इसकी राजधानी। चलिए चलिए विद्यार्थियों, इसके बाद बैठता है कृष्ण फर्स्ट। इसने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर
कैलाश मंदिर का निर्माण किया। क्या रहोगे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस लालित दिया, एक सेकंड ना, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इसने कृष्ण फर्स्ट ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का टेंपल का निर्माण किया। इसके बाद कौन होता है? गोविंद सेकेंड गद्दी पर बैठता है। तो बाला इसके समय कुछ खास नहीं हुआ था, नमस्ते, इसके पीरियड में बेटा कुछ खास ऐसा नहीं हुआ कि जो अपन याद रखे या इसके पीरियड में आगे बढ़े, मतलब इसके पीरियड में ज्यादा कुछ अपन को देखने को नहीं मिलता है। फिर गोविंद तीन के बाद बैठता है ध्रुव, ठीक है, इसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया, ठीक है, क्या हो गया, त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था उसमें भाग लिया। इसने प्रतिहार शासक, इसके बाद पर प्रतिहार शासक पढ़ेंगे तो वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को हराया था। खेलोगे प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक जो है धर्मराज को हराया। इसने उपाधि क्या ली थी विद्यार्थियों? तो इसकी उपाधि धारावत की, इसने उपाधि धारित की थी। क्या हो गया आप सभी से याद? धारावस। तो धारावस की उपाधि किसने धारित की? तो धारावस की उपाधि जो है इसी ने ली थी। दिखाई नहीं दे रहा बेटा, क्या दिखाई नहीं दे रहा है बेटा? चले हम आगे, चलिए गोविंद तीन। अब बेटा इस बाकी सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है बेटा, इसका मतलब बेटा अपना मोबाइल का सही करा लो उसे। ठीक है, दूसरा त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इस बार कौन था? गुज्जर प्रतिहार से था, जो गुज्जर और प्रतिहार शासक थे उनमें कौन था? इस बार नागभट्ट सेकंड आ जाएगा, ठीक है, और पाल से अगेन धर्मपाल रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों को हराया, ठीक है, ये दोनों जो है इससे हार जाते हैं विद्यार्थियों, ठीक है, मतलब गोविंद तीन भी जो है अपने पिता ध्रुव की तरह बलवान था और ये दोनों राजा गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट और पाल शासक धर्मपाल को हरा देता है। आप बेटे का विद्यार्थियों अमोघ वर्ष, इसे सर्व भी कहा जाता है, करोगे अमोघ वर्ष और सर्व। चलिए तो इसके पीरियड में कविराज, कविराज मार्ग की रचना की थी इसने। ये क्या बेटा विद्वान था, राजा भोज की तरह, कन्नड़ भाषा में इसकी पुस्तक है, ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का फॉलोअर्स था, ये जैन धर्म को मानता था, राजकोट वंश में अमोद वर्ष, तो जैन धर्म का अनुयायी था। इसी ने मानखेत नगर भी बसाया था, जो राजकोट की कैपिटल थी तो उसको डेवलपमेंट करने का काम भी सीखा, तो मानखेत नगर बसाया किसने था? तो मानखेत नगर जो है विद्यार्थियों इसी ने बसाया था। चलोगे मानखेत नगर को जो है कौन बसाता है?
तो मानकेट नगर को जो है विद्यार्थियों यही बसाता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों इसी के पीरियड में रहते थे जिनसेन। जिनसेन ने क्या की थी? आदि पुराण की रचना। तो क्वेश्चन आता कि आदि पुराण की रचना किसके द्वारा की गई, तो आदि पुराण की रचना किसने की थी? जिनसेन ने, जो इसके पीरियड में रहते हैं। नमस्ते बालक। फिर अमोदवती। अमोघवती में इसके जीवन का वर्णन है अमोदवस का, तो अमोघवती की रचना किसने की थी? ये रचना की थी सक्तायन ने, मतलब हो गई सक्तायन ने इसकी रचना की। फिर आता है गणित सार संग्रह, तो महावीर चार आचार्य जी जो है किसके पीरियड में रहा करते थे? तो गणित संगार की रचना की थी महावीर चार ने। किसने बेटे? क्लास के बाद कर लेना, हम भी कहा तो गणित सार संग्रह रचना महावीर चार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महावीर चार। फिर बालकों इनकी समाधि कहाँ है? इनने बेटे जल समाधि ली थी, मतलब इनकी डेथ नहीं हुई थी, इनने जल समाधि ली थी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है क्या कहाँ बहती है? कर्नाटक में, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी पे जो है इनने समाधि ली। कृष्णा की सहायक नदी है, किसकी रहोगे? कृष्णा की सहायक नदी है। देखो प्यार बालकों, अमुक बस समझ में आया बेटे? क्लास के बाद कर लेना सभी, उस क्लास नहीं हो बालिका, इसके बाद कर लेना, या यू क्लास कंप्लीट कर लो अभी बेटा, ठीक है। अम्बिका क्लास के बाद कर लेना, नहीं गोदावरी तुंगभद्रा बेटा कृष्णा की है, गोदावरी की नहीं है। ओ सर गोदावरी की रिवर है ये तुंगभद्रा जो है ना, तुंगभद्रा कृष्णा मिलती है। भद्रा और तुंग दो अलग नदियां हैं, दोनों पर डैम बने हुए हैं। याद करो भद्रा बांध पढ़ाया था मैंने आपको, भद्रा टेम्पल कहाँ पड़ता है? तो भद्रा टेम्पल कृष्णा पड़ता है, कृष्णा जो डैम पर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चले बड़े प्यारे विद्यार्थियों जो है निधि विवेक, नहीं नहीं गोदावरी पे नहीं ली बेटा, तुंगभद्रा नदी पे ली थी। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब आ जाओ प्यारे बालकों कृष्ण सेकंड पर, क्या हो गई? कृष्ण सेकंड, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो इसने प्रतिहार मिहिर भोज और पाल शासक को हराया था। पाल शासक में देवपाल था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष पे भाग लिया और पाल शासक को जो है विद्यार्थी उसने हराया था, ठीक है। चलिए इसके बाद गोविंद चतुर्थ होता है, तो बेटे इसके बाद जो गोविंद चतुर्थ था उसका कार्यकाल में कुछ खास नहीं था, मतलब इसके पीरियड कृष्ण सेकेंड के बाद जो है गोविंद फोर्थ के पीरियड में राजकुट वंश के जो राजा थे, राजकुट वंश का डाउनफॉल शुरू होता है, और यहां से अवनति शुरू हो जाती है। मतलब आप जो है ये जो राजा हैं डाउनफॉल में जाने लगेंगे, ठीक है। ठीक है कैसे होंगे? डाउन पे जाएंगे, मतलब यहां से जो है इन ये लोग हारना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बेटे का प्यारे बालक को इसके बाद अमोघ वर्ष चार, ठीक है। तो ये भी कुछ खास नहीं किया। इसके बाद बैठेगा कृष्ण थर्ड, कौन बैठता है? कृष्ण थर्ड, ये कलचुरी राजा लक्ष्मण तीन को हरा देगा,
चलोगे, कलचुरी राजा लक्ष्मण तीन को हराया था, इसी के पीरियड रहते थे कभी पौन ने। शांति पुराण की रचना कन्नड़ में की, शांति पुराण की रचना किसमें की थी ने, कन्नड़ भाषा में जो है कवि पौन ने जो है इसको लिखा था। अब आ जाओ नेक्स्ट। चलिए देखो प्यारे बालकों, यहां तक कोई डाउट्स है? चलिए अपन यहां तक क्लियर। चलिए खौतिक, अब कौन सा है खौतिक? खौतिक राजा जो है, खौतिक के बाद कर्क सेकंड, कर्क द्वितीय, राजकुट शासक वंश का अंतिम शासक, राजकुट वंश का अंतिम शासक। क्या हो गई? अंतिम शासक। इसे कल्याणी, चालुक्य, वंश के राजा तैलप सेकंड ने कर्क सेकंड को हराया और राजकुट वंश का सूर्यास्त हुआ। क्वेश्चन आता है राजकुट वंश का सूर्यास्त किसने किया, तो राजकुट वंश का सूर्यास्त किया था किसने विद्यार्थियों, तो राजकुट वंश का सूर्यास्त किसने किया था, कल्याणी के चालुक्य ने। चलो हो गए, किसने किया था, कल्याणी के जो चालुक्य थे उनने जो है इसका सूर्यास्त किया। ठीक विद्यार्थियों, तो एग्जाम में पूछे तो कि कल्याणी का किसने जो है इस वंश का सूर्यास्त किया था, तो क्या जवाब दोगे, कल्याणी चालुक्य ने जो है इसका सूर्यास्त किया था। ठीक है, तैलप सेकंड ने जो है इसे हरा दिया था। चलिए अब बेटा कुछ फैक्ट याद रखो इसमें, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसके पीरियड में हुआ था? एलिफेंटा गुफा का निर्माण राजकुट वंश के राजा ने किया था। चले डन, ये वंश क्लियर हुआ आपको? चले बालक, चलिए अब पढ़ेंगे अपन प्रतिहार वंश। कौन सा होगी? प्रतिहार, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो इसकी प्रतिहार वंश की शुरुआत होती है मंडोर से। मंडोर कहाँ पड़ता है?
राजस्थान में पड़ता है। कहाँ हो गए मंडोर जो है कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। मंडोर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था हरिश्चंद्र। थोड़ा हो गए, हरिश्चंद्र जो है इसका संस्थापक था। फिर होता है राजिल, मंडोर वंश का पहला शासक। मंडोर शाखा का पहला शासक राजिल के बाद बैठता विद्यार्थियों नागभट। फिर हो गई, राजिल के बाद कौन बैठता है? नागभट। नागभट कौन था? राजिल का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। कौन सी राजधानी बनाई विद्यार्थियों? तो नागभट्ट ने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई थी? राजधानी जो है मेड़ता बनाई थी। इसे गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा गया। ठीक है, इसे नागभट्ट प्रथम को नागा अवलोक का दरबार। बेटा इसे काफी टाइटल मिलेंगे। ये क्या था? मेड़ता जो शाखा बनी राजिल के बाद, देखो सबसे पहली शाखा थी राजकोट में, एक प्रतिहार हो कि जो है मंडो। मंडो ऐसे 26 शाखाएं हैं, तो जो सबसे पहली वंशावली जो सबसे प्रसिद्ध है वो है मंडोर के शासक। मंडोर में था हरिश्चंद्र जो इस शाखा का संस्थापक होता है। जब गुज्जर प्रतिहार नागभट वंश वाली शासक पढ़ते हैं तो ये अपना क्या सबसे मेन शासक माना जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, वो भी वास्तविक रूप से इसी को मानते हैं नागभट को। नागभट का पीरियड जो है काफी ज्यादा चलता है। तो इसको पहली उपाधि मिलती है नाग अवलोक का दरबार, यानी इस नाग प्रथम के दरबार को क्या कहते थे? नाग प्रथम के दरबार को हम नाग अवलोक का दरबार भी कहा जाता है। दरबार को नाग अवलोक का दरबार कहते हैं। ये सिर्फ टाइटल दिया जाता था क्योंकि इसमें इस वंश को आगे बढ़ेंगे। इसके वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक है इस वंश का नागवट फर्स्ट को। इसके अलावा क्या क्या मिलता है, क्या क्या अन्य नाम से जानते हैं? तो सुनो विद्यार्थी, इसे राम के प्रतिहार कहते हैं। कहने का मतलब राम के समान, राम का प्रतिहार। मेघनाथ के युद्धक, इसे टाइटल दिया गया है। इंद्र के गर्व को नाश, इंद्र के गर्व का नाशक, मतलब जिसने इंद्र के घमंड का नाश किया हो। नारायण का प्रतीक, मतलब भगवान राम के समान जो है किस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसे नारायण भी कहा जाता है। इसे मलच्छू का नाशक, यहां मलच्छू के नाशक से तात्पर्य जो है ना विद्यार्थी, वो किससे है? अरब आक्रमणियों से। जब अरब के आक्रमण करते हैं ना भारत पर, तो अरब आक्रमणकारियों को इसने हराया था।
रहोगे, अरब आक्रमणकारियों को किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थी इसी ने जो है कहते हैं, इसे रघुवंशी प्रतिहार भी कहा जाता है। क्या बोलोगे आप? रघुवंशी प्रतिहार किसे कहा जाता है? तो रघुवंशी प्रतिहार अपन इसी को कहते हैं। देखो बालकों, यहां तक कोई डाउट्स है बेटा? बहुत सारे टाइटल लेगा ये। अब फिर जल्दी से क्लास को लाइक कर लो। चलें, कल सुबह बेटा इसके एक और, कल हिस्ट्री का कल एक और भाग कराऊंगा, ठीक है? कल अपन जो है हिस्ट्री का एक और भाग करेंगे। आपकी इसी वीकेंड तक जो है मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा आपकी, एमपी हिस्ट्री जो है, और हिंदी की कक्षाएं जो है आप सभी के बंटवारी के लिए भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप सभी बेटे छुट्टी एक भी नहीं मानना, ठीक है? चलिए, नागवट फर्स्ट की राजधानी क्या थी? तो राजधानी रही इसकी उज्जैन, और जालौर दशरथ शर्मा मानते से, इतिहासकार है दशरथ शर्मा ने जालौर मानी, ठीक है? जैसे राजस्थान में बहुत फेमस इतिहासकार रहे तो उनने जो है इसको माने थे। इसके समकालीन राजा कौन थे? समकालीन शासक तो राजकूट राजा, राजकूट शासक दंतीदोर। दंतिदुर, यशोवर्मन, ये चंदेल था, ठीक है? यशोवर्मन चंदेल जो है इस रहा, ये राजकूट राजा दंती दुर्ग से हारा था। राजकूट शासक दंती दुर्ग से नागवट फर्स्ट हारा। बाकी बेटे जिसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उसके बाद, वो सभी लड़ाई जो है ये जीता। उसके बाद इसने जिसके द्वारा जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई वो सारी लड़ाई जो है इसके द्वारा नागवट में जो है विजयी हुआ। इसके बाद बैठेगा अपना कक्कुस्त। कौन राजा होगा? कक्कुस्त राजा बनता है, ठीक है? नागभट का उत्तराधिकारी थे। इसने बेटा कुछ खास नहीं किया है तो इसको आप याद रखो या ना रखो, ना के बराबर है, कोई खास फेमस इसके पीरियड में जो है रहा नहीं, ठीक है? फिर देवराज गद्दी पे बैठता है। इसके पीरियड में विद्यार्थी इसने कुछ खास नहीं किया, देवराज ने भी। तो अपना नेक्स्ट शासक कौन था? देवराज था, ठीक है? फिर बैठे गद्दी पे वत्सराज, ये अपना इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है? चलिए अपन थोड़ा बसराज को नए पेज से कन करते हैं, ठीक है? बसराज जो है अपने नए पॉइंट से पढ़ते हैं, क्योंकि ये वंश इस वंश में काफी अच्छा राजा है। ये कौन था? देवराज का पुत्र था। करोगे? पुत्र था, ठीक है? इसे एमपी में प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक मानते हैं। देखो तो नागवट जो था वो राजस्थान से था, राजस्थान में रहा है, ठीक है? ये एमपी में आता है तो इसे नागवट को अपन, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
क्या बोलोगे, किसे मतलब इसकी राजधानी क्या अपने एमपी में रहेगा, इसमें एमपी में शासन करेगा, तो ये जो है एमपी के अधीन बत्सराज को जो है प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसके पीढ़ में कवि कौन थे? उद्योधन थे, कवि उद्योधन सूरी। कुबले माना ग्रंथ, फिर जिनसेन सूरी, इनने की थी हरिवंश पुराण की रचना। ठीक है, ये दो पुस्तकें जो है इसी के पीरियड में लिखी गई। वत्सराज को क्या उपाधि देते अपन? तो इसे उपाधि के तौर पे रण हस्तिन की उपाधि देते हैं। किसकी? रण हस्तिन। इसे अपन जय बराहा की उपाधि भी दी जाती है। कह रहे हुए जय बराहा की उपाधि जो है किसको दी गई? तो बत्सराज को हमने जय बराहा की उपाधि भी दी गई थी। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसमें ये भाग लेगा। हाँ बालकों, त्रिपक्षी संघर्ष में राजकूट राजा द्रुपद प्रथम ने हराया। राजकूट राजा द्रुपद प्रथम ने वत्सराज को हराया था। इस युद्ध में जो है वत्सराज की जो है युद्ध जो है हार हो गई थी। ठीक है, वत्सराज ने कन्नौज पे विजय प्राप्त की थी। कन्नौज किसने बसाया था? हर्षवर्धन ने बसाया था इसे। और कन्नौज जो है बेटा हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। ठीक है, बसाया और हर्षवर्धन की राजधानी क्या बोलते हैं? कन्नौज। तो बेटा उस समय ये था कि जो कन्नौज पर अधिकार कर लेता था, ठीक है, कन्नौज पर जिसने अधिकार कर लिया वो पूरे भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना, कन्नौज पर अधिकार करने वाले व्यक्ति को अधिकार करने वाले शासक को क्या कहते थे? जो कन्नौज पर अधिकार कर लेता था उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। मतलब उसने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसे संपूर्ण भारत का प्रधान केंद्र किसे कहते हैं? संपूर्ण भारत का प्रधान केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये कन्नौज को कहते हैं। ठीक, किसे बोलोगे आप? संपूर्ण भारत का प्रधान केंद्र क्यों कहा जाता था? कन्नौज, क्योंकि ये जो है व्यापार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, ये जो है व्यापार के लिए जो है जाना जाता था। चलिए बेटा, कुछ याद हुआ किसी को? राजकूट वंश समझ में आया? बेटा दो बड़े वंश पढ़ रहे हैं अपन आज। आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको दो बड़े वंश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कन्नौज जो था उस समय बेटा सेंटर हुआ करता था।
चले बेटा, तो अपन इस, हाँ तो बेटे वो तो जो कन्नौज में उस समय शासक थे वो छोटे निर्बल शासक हुआ करते थे, वो आपस में जो हर्षवर्धन था उनके ही लड़ते थे, दो भाई थे आपस में, एक तो इंद्रादूत और एक चक्रायुध, वो आपस में दोनों लड़ते रहे, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे इसलिए वो पॉइंट छोड़ दिया हमने। चलिए तो अब बढ़ते अपन आगे की ओर, आप बैठा ले नागवट सेकंड को। सात सौ पचपन से 833 तक ये शासन करेगा, ठीक है विद्यार्थियों? तो पहले दे दो इसको उपाधि, परम भट्टारकर, महाराज धीराज, परमेश्वर। महाराज धीराज परमेश्वर कहा जाता है इसे। राजकुट राजा, राजकुट राजा गोविंद तीन ने नागवट सेकंड को हराया था, सेकंड को दूसरे त्रिपक्षीय संघर्ष में हराया। मतलब इसने भी जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज पर जो है इसने हरा दिया था। इसने जो है नागवट सेकंड ने पाल शासक धर्मपाल को हराया, किसको हराया विद्यार्थियों? धर्मपाल को इसने हरा दिया, जो पाल शासक थे धर्मपाल उसको इसने पराजित कर दिया था। इसके बाद बेटे का विद्यार्थी हुआ रामभद्र, क्या रहोगे? रामभद्र, ये नागभट्ट का पुत्र था, रामभद्र की हत्या मिहिर भोज ने की थी। मिहिर भोज कौन था? रामभद्र का पुत्र था। मिहिर भोज को प्रतिहार राजवंश का पहला पितृहत्ता शासक कहा था, मतलब अपने पिता की मृत्यु करने वाला शासक कहा गया। मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है बेटे? स्टडी क्लास आज नहीं ले रहा बेटा, आज मैं हिस्ट्री कंप्लीट कराना है मुझे। क्या बेटा आप सभी की जो वैकेंसी है, पटवारी विधानसभा का पेपर है, आईटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर है, तो मैं नहीं चाहता आप सभी की एमपी के कोई टॉपिक छूटे। स्टैटिक जीके रहा, जैसे ही आपकी एमपी हिस्ट्री जो ऑलमोस्ट इसी वीकेंड में कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है, 4-5 दिन के अंदर, और हिंदी 4-5 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो दो चैप्टर आपके फिनिशिंग हो जाएंगे। सिर्फ फिर बचा है मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, तो वो बालक मैं एक दिन आपकी शाम सुबह सुबह 8:45 से 45-40 मिनट की क्लास रोज लिया हूँ, तो वो मैं आपको 20 तारीख तक वो कंप्लीट करा दूंगा। हाँ अभी मिहिर बोझ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है मिहिर बोझ,
तो बस बेटा आप इस बेटा प्रतिहार वंश जो है काफी इंपॉर्टेंट शासक वंश है, ठीक है। पर इसमें बहुत लंबा क्लास रहेगा इस पे। अभी तो बेटा बहुत अच्छे अच्छे राजा आएंगे अभी तो इसमें। ये बेटा सब प्रतापी राजा हैं। मिहिर बोलगद्दी पड़ेगा, 836 से लेके 885 तक शासन करेगा विद्यार्थी, ठीक है। लंबे लंबे शासन करेंगे ये जो है, ठीक है। अब मिहिर भोज की उपाधि, इसे प्रवास कहते हैं, किस अभिलेख में मिलता है? दौलतपुर अभिलेख में। दौलतपुर अभिलेख, चलोगे दौलतपुर अभिलेख में से ये कहा गया, इसे आदिबारा कहा गया। ग्वालियर अभिलेख में इसे मिहिर बोला गया। सागरताल प्रस्तुति में, सागरताल प्रस्तुति है ग्वालियर में मिलती है। सागरताल जो प्रस्तुति है उसमें से कहा जाता है। चलिए, कश्मीर के कवि कलहण थे, अपनी रचना राज तरंगिणी में मिहिर भोज की वीरता का वर्णन किया है। रहोगे मिहिर भोज जो था उसकी वीरता का वर्णन जो है किसने किया था? तो जो कश्मीर के कवि कलहण थे उन्हें अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में इसका उल्लेख करते हैं। ये क्या था? मिहिर भोज वैष्णव धर्म को मानता था, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, मतलब हिंदू धर्म को मानता था, विष्णु का उपासक था ये मैन, ठीक है। तो वैष्णव धर्म का जो है आ, 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 जो है अनुयायी ये था। चलिए, अब ये पॉइंट याद रखना, मुस्लिम अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के कार्यकाल में आया था, मिहिर भोज के समय आया। किसके पीरियड में आया था? मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु का क्योंकि मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं, ठीक है। इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु के लिए शब्द यूज किया था इसने, बरुआ, जिसका उल्लेख होता है इस क्या मीनिंग होता है इसका, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। और इसने भारत को क्या कहा? भारत को काफिरों का देश बोला। मतलब हिंदुओं के लिए शब्द यूज किया था काफिर, तो काफिरों का शत्रु किसे कहते हैं? काफिरों का जो देश है वो किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, काफिरों का देश जो है किसे बोलते हैं?
अपन भारत को जो है ये काफिरों का देश कहा जाता है, और मुसलमानों का या इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहते हैं? तो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु जो है इसी को कहा जाता है। चलिए, इसने चंदेल शासक जयशक्ति को हराया था। जयशक्ति मतलब है जेजा। जयशक्ति से मतलब यहां क्या है? जेजा। चंदेल शासक जयशक्ति को हराकर कालिंजर जीता था, कालिंजर पे अधिकार कर लेगा। जो कालिंजर चंदेलों की राजधानी थी, जेजा के समय जो है इसका अधिकार हो जाता है। तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष, तीसरा त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। करोगे तीसरा त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है राजकूट राजा कृष्ण सेकंड को हराया। कृष्ण सेकंड ने मिहिर भोज को हराया था। इसने पाल शासक देवपाल को मिहिर भोज ने हराया था। पहले क्या होता है, मिहिर भोज की लड़ाई होती है किससे? देवपाल से, ठीक है, जो पाल वंश का राजा था। तो पाल वंश का विद्यार्थी राजा था देवपाल, इसको ये हरा देता है। तब राजकूट राजा सेकंड की जो है क्या होती है विद्यार्थी, एंट्री होती है। तो राजकूट राजा जब सेकंड कृष्ण आता है तो मिहिर बोध जो है से हार जाता है। लेकिन इसके समय पे भी जो है क्या रहता था विद्यार्थियों, कन्नौज पर अधिकार, मतलब कन्नौज जो है अभी भी किसके पास रहता है, अपने प्रतिहार वंश के जो शासक मिहिर वोस था उससे कार्यकाल में रहा। अब ये बनवाएगा मंदिर, ठीक है, तो तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। कहाँ रहोगे? ग्वालियर के किले पर का निर्माण करवाएगा। ग्वालियर किले पर जो है तेली मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो तेली मंदिर का निर्माण जो है यही करवाएगा, ठीक है, तेली मंदिर का। और इसकी क्या विशेषता है? दक्षिण या द्रविड़, द्रविड़ शैली में बना उत्तर भारत का एक मंदिर, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर। नोट याद रखना, उत्तर भारत के मंदिर उत्तर भारत के मंदिर किसमें बने हैं? तो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बने हैं। क्या हो गए? उत्तर भारत के मंदिर जो है किस शैली में बनाए गए हैं? तो बालक नागर शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, किस किस को आया बेटा यहां पर? डन। चलिए बेटे, थोड़ा समय कम है अपने पास, जो है इसको कंप्लीट करना है, बटना जो है रह जाएगा आपका। तो फिर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आप में से विद्यार्थी कोई अनएकेडमी प्लस पर मेरे साथ क्लास ज्वाइन करने वाला छात्र है, तो जो विद्यार्थी अनएकेडमी पर मेरे साथ पढ़ना चाहता है वो बालक रेफरल कोड रूप से डाल के ज्वाइन कर सकता है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं,
तो आप सभी मेरा रेफरल कोड रूप सर डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाओ उपाधि। इसकी उपाधि परम भट्टारकर। महाराज धीराज। परम भागवत। परमेश्वर। ये उपाधि से दी गई। फिर रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि। निर्वैराज। निर्भय निरिन। निर्भय राज, निर्भय निरिन। ये राज्य से करने दी थी। कौन है दी? राजशेखर। राजशेखर कौन है विद्यार्थियों? राजशेखर काप्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण का कवि रहा। तो ये राजशेखर की रचना कौन थी? राजशेखर दरबारी कवि था। यही महिपाल के समय रहेगा। इसके ग्रंथ कौन से हैं? काव्य मीमांसा। कौन सा? काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत। ये सभी पुस्तक जो है इसके पीरियड में लिखी गई है, महिंद के पीरियड में। भुवन कोश, हर विलास, ये सभी पुस्तकें किसके पीरियड में लिखी गई बालक? तो ये सभी पुस्तकें जो है महेंद्र के पीरियड में लिखते हैं, ठीक है? सबसे मतलब इसके पीरियड में ये पुस्तकें भी लिखी गई। अब बीएन पाठक की स्टेटमेंट है। बीएन पाठक ने महेंद्र फर्स्ट को महिंद्रपाल, प्रथम को उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास उनकी पुस्तक थी, ठीक है? तो इस उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास पुस्तक में महेंद्र फर्स्ट को हिंदुस्तान का अंतिम महान शासक कहा है। अंतिम महान शासक, बेटा पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम दे रहा है। बीएन पाठक जो है इसको अपने अंतिम शासक मानते हैं। क्या मानते हैं इसे? अंतिम राजा कौन था? तो जो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, तो किसको माना गया विद्यार्थियों? महेंद्र फर्स्ट को मानते हैं। इसके बाद बैठेगा भोज सेकंड। ये कुछ खास नहीं करेगा, इसके पीठ में भी कुछ खास नहीं हुआ था, तो इसने कुछ खास किया नहीं है। फिर बैठेंगे महीपाल। नौ सौ चौदह से 43 तक इसका शासन है। महीपाल के पीठ में भी राजशेखर,
ये अभी भी दरबारी कवि थे। क्या होगे? राजशेखर दरबारी कवि थे, राजशेखर दरबारी कवि थे। उपाधि कौन कौन सी दी इनको? ये उपाधि अपने ग्रंथ में लिखते हैं, तो रघुकुल मुकुट मणि ये टाइटल दिया गया। क्या रहोगे? रघुकुल मुकुट मणि। दूसरी उपाधि दी आर्यव्रत का महाराज धीराज। क्या रहोगे? आर्यव्रत का महाराज धीराज किसे कहते हैं? तो महेंद्र महीपाल को। ये दोनों उपाधि किसको मिली थी? महीपाल को मिली। किसने दी थी? राजशेखर दरबारी कवि ने उपाधि किसको दी थी? जो है महीपाल को। ठीक है, किसको दी गई विद्यार्थी उपाधि? महीपाल को। इसने अपना ग्रंथ लिखा था प्रचंड पांडव, जिसमें महीपाल की वीरता का वर्णन है। मतलब जी इस वंश का जो शासन है इसकी वीरता का उल्लेख किया है। महीपाल के समय मुस्लिम यात्री अल मसूदी आया। मतलब इसने अपने देश में भारत की यात्रा किस अल मसूदी किसके पेड़ में आया था? तो अल मसूदी जो है महीपाल के समय आता है। ठीक है विद्यार्थियों, महीपाल को राजकुट वंश के राजा इंद्र तीन ने हराया था और उज्जैन पे अधिकार किया। मतलब बेटा इसके समय उज्जैन पर अधिकार किसका हो जाता है? राजकुट शासक का। ये अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ विजयपाल। प्रतिहार का सबसे ज्यादा डाउनफॉल इसके समय हुआ, सबसे ज्यादा डाउनफॉल। मतलब प्रतिहार वंश में इस समय सबसे ज्यादा डाउनफॉल हो जाता है। क्यों? त्रिपुरी के कलचुरी मालवा के परमार और चंदेल स्वतंत्र हो जाते हैं। करोगे? चंदेल जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो फ्रीली जो है काम करने लगते हैं। आप बेटे का राज्यपाल महमूद गजनवी के आक्रमण के समय युद्ध से भाग जाता है, तो इसके बेटे राज्य पे कब्जा हो जाता है, जिसके ना चंदेल विद्याधर ने चंदेल शासक विद्याधर ने हत्या की।
राज्यपाल की जो है हत्या कर दी। मतलब ये क्या विद्यार्थियों, युद्ध छोड़ के भागा, तो इससे नाराज होता था चंदेल। मतलब भाई तू लड़ा क्यों नहीं, तूने क्यों उससे युद्ध नहीं किया, तो इसके कारण विद्याधर जो है इसको मार देता है। ठीक है, मतलब अब जो है महमूद गजनबी के समय ये हार जाता है। फिर त्रिलोचन पाल, महमूद गजनबी ने हराया, तो कन्नौज से इसने अपनी राजधानी अब क्या बनाई थी, इसने राजधानी बारी बनाई। कन्नौज से स्थानांतरण किया, युद्ध के डर से जो इसने अपनी राजधानी बारी ट्रांसफर, मतलब ये कहां भाग गया था, बारी भाग जाता है। ठीक है, चलिए यशपाल, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, क्या बोलोगे, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसे गहड़वाल चंद्रदेव ने यशपाल की हत्या की। यानी कि यह जो है ये राज वंश जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए तो कम यहां तक बेटा क्लियर हुआ। तो आप में से जो प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ ठीक है, चलिए डन विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अपन अगर आप सभी मेरे साथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड रूप सर डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आप रूप सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन 9:30 बजे।